चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौर आज खत्म हुआ, वो सियासत और अदालत से जुड़े चैलेंजेस पर काबू पाने में कितने कामयाब हुए, इस दौर का मारूजी जायजा लेते हैं। और ये जायजा लेने के लिए पहले ये याद रखना जरूरी है कि वो किन हालात में चीफ जस्टिस बने और उस वक्त उनके सामने क्या क्या बड़े चैलेंजेस थे। अहम बात यह कि जस्टिस काजी फाइज ईसा से पहले चीफ जस्टिस रहने वाले जस्टिस उमर अता बंदियाल को एक मुतनाजा जज समझा जाता था, उन पर सियासी जानेदारी के इल्जाम लगते थे, जजेस में तकसीम वाजे थी, हम ख्याल बेंचेस बनना आम सी बात थी। उन्होंने अपने दौर में जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी किसी आईनी या सियासी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया था, जबकि वो अपने दौर में ना दो सूबों में बरवक्त इलेक्शन करवा सके, ना आम इंतखाबात की हतमी तारीख का फैसला कर सके। और फिर इसी सूरत हाल में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 16 सितंबर को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का मनसब संभाला। काजी फाइज ईसा वो जज थे जिन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज के दौर में भी दबाव में आने से इनकार किया, और शायद इसीलिए उनको लेकर यह तासुर था कि वो बतौर चीफ जस्टिस अपने दौर में एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत का रास्ता रोकेंगे, माजी की तरह सियासी इंजीनियरिंग के लिए एस्टैब्लिशमेंट को अदालत का कंधा इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मगर इनके 13 माह के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ जो इन उम्मीदों के बरक्स था। ताहम इनके दौर का आगाज मुस्बत रहा जिसमें उन्होंने कुछ तारीखी फैसले किए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुल्की तारीख में पहली मर्तबा अवामी मफाद से जुड़े केसेस को लाइव नशियात का आगाज किया। सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 1 से फुल कोर्ट की बराह रास्त समातें शुरू हुई। इनके चीफ जस्टिस बनने से पहले 4 साल तक फुल कोर्ट की मीटिंग हुई, ना ही फुल कोर्ट बना, मगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस पहली ही रोज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट तलब किया और 1 माह के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को आईनी करार देकर अपने खसूसी इख्तियार जजेस कमेटी के सुपुर्द करने का तारीखी फैसला दिया। इसी तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने से पहले तकरीबन 4 साल तक साबिक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का खसूसी अदालत का फैसला मुअत्तल रहा, ना जस्टिस गुलजार और ना जस्टिस बंदियाल ने इस केस को टेकअप किया। मगर 10 जनवरी 2024 को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सबराई में 4 रुकनी बेंच ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को कलदम करार देते हुए परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का खसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ही की अदालत ने 12 सालों से जेरे अल्तवा सदारती रेफरेंस पर जुल्फिकार अली भुट्टो की अदालती कत्ल का फैसला गलत करार दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के चेहरे पर एक बदनुमा दाग था। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत का एक और बड़ा इकदाम जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बहाली था, जिन्हें अक्टूबर 2018 में सिर्फ इस जुर्म पर बरतरफ किया गया कि उन्होंने साबिक DGISI की सियासत में बदतरीन मुदाखलत को एक्सपोज किया था। यानी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने दौर में साबका एस्टैब्लिशमेंट के अदवार के जुल्म और ज्यादतियों पर तो एक्शन लिया, मुतासर लोगों को इंसाफ दिया, गलत को दुरुस्त करने की कोशिश की, मगर उनके अपने दौर में जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रही, आला अदलिया के जजों को दबाव में डाला गया, मातहत जजेस को डराया धमकाया गया, सियासी रहनुमाओं और कारकुनों की जबरी गुमशुदगियाँ हुई, उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खामोश रहे। अदलिया में जो तकसीम पहले से मौजूद थी वो मजीद बढ़ गई। पहले तो ये देखा जा रहा था कि जजेस के दरमियान जो ग्रुपिंग थी उसकी वजह सियासी इख्तलाफात थे, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात नजर आए वो सियासी बुनियादों पर नहीं बल्कि जाती बुनियादों पर थे, जिसकी वजह से अदालती साख को शदीद नुकसान हुआ। इसके अलावा इब्तदाई कुछ माह तो हम ख्याल बेंचेस का क्याम खत्म हो गया था, मगर आखिरी 4 माह में हम ख्याल बेंचेस दोबारा सामने आने लगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ अक्सरियत इंजॉय कर रहे थे और बेंचेस उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक बन रहे थे, तब तक मामला ठीक थे, मगर 12 जुलाई के मखसूस नशस्तों के फैसलों के बाद वो 3 रुकनी जजेस कमेटी में अकलियत में रह गए और उन्हें अपनी मर्जी के बेंचेस बनाने में मुश्किलात का सामना था, जिसके बाद हुकूमत ने उनकी सहूलत कारी करते हुए ऑर्डिनेंस के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को तब्दील किया और जो आमराना इख्तियारात चीफ जस्टिस से लिए गए थे वो चीफ जस्टिस को दोबारा दे दिए गए। और ये ऑर्डिनेंस जारी होने के कुछ घंटों बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस पर अमल किया और जजेस कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर करके जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल कर लिया और उसी रोज आर्टिकल 63A की नजरसानी समेत 9 लार्जर बेंचेस तश्कील दे दिए। यहाँ ये बात भी अहम है कि वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो माजी में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी के खिलाफ थे, उन्होंने इस ऑर्डिनेंस की मुखालफत ना करके अपने हामियों को भी हैरान कर दिया था। बतौर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लगाने के भी खिलाफ थे, मगर अपने दौर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनात करने का फैसला किया। इसके अलावा उनके दौर में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला सामने आया था, तो चीफ जस्टिस ने खुद जिम्मेदारी लेने और फुल कोर्ट बनाने के बजाय कमीशन कायम करके मामले को अंडर द कार्पेट डालने की कोशिश की।
इन 6 जजेस ने अपने खत में एग्जीक्यूटिव की मदाखलत पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से कोड ऑफ कंडक्ट पर रहनुमाई मांगी थी, मगर चीफ जस्टिस ने इन्हें एग्जीक्यूटिव के ही रहमुकरम पर छोड़कर साबिक जज की सरबराही में कमीशन के क्याम का फैसला किया। मगर बाद में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही से माजत कर ली, जिसके बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच बना, मगर आज तक इस मामले की तहकीकात पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के दौर में मातहत अदलिया के जजेस को भी धमकियां मिलने के वाकयात सामने आए, वुकला की गुमशुदगियां हुई, अरकाने पार्लियामेंट की गैर कानूनी गिरफ्तारियां हुई, मगर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने गैर आइनी मुदाखलत और इंसानी हकूक की पामालियों के सामने ढाल बनने के बजाय खामोश रहने को तरजीह दी। चीफ जस्टिस बनते ही जस्टिस काजी फैज ईसा ने जिस मसले को मुल्क की अदालती निज़ाम का सबसे संगीन मसला करार दिया, वो ज़ेरे इल्तवा केसेस की बढ़ती तादाद और अदलिया की साख था। मगर आज जब जस्टिस काजी फैज ईसा का आखिरी रोज़ है, तो इन दोनों मामलों में सूरतेहाल पहले से बेहतर नहीं हो सकी है। 17 सितंबर 2023 को जब जस्टिस काजी फैज ईसा ने चीफ जस्टिस का मनसब संभाला, उस वक्त ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 56,503 थी, जो आज बढ़कर 60,508 से ज़्यादा हो चुकी है। इसी तरह वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के मुताबिक 2023 में मुल्की अदलिया की आलमी रैंकिंग 0.38 पॉइंट्स के साथ 130वें नंबर पर थी, जबकि आज मुल्की अदलिया की रेटिंग सेम पॉइंट्स के साथ 129वें नंबर पर है। इसके अलावा बतौर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा पर सियासी जानबदारी के इल्जाम लगते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस उन पर तनकीद करते हुए बेंचेस में शामिल ना होने का मुतालबा करती रही, जबकि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा पर यह इल्जाम भी लगे कि उनके मुतादित फैसले एस्टैब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक थे। जैसे इलेक्शन से कई माह पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में बल्ले का निशान ना देने का फैसला हो चुका है, और फिर ऐसा ही हुआ। पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलदम करार देकर बल्ले का निशान लिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। इसी तरह इलेक्शन कमीशन और रियासत की यह ख्वाहिश थी कि अदालती अफसरान के बजाय असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स इलेक्शन करवाएं, और फिर ऐसा ही हुआ। लाहौर हाईकोर्ट ने तो इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देते हुए स्टे ऑर्डर दिया था, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने 2 घंटे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ सुने बगैर लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलदम करार दे दिया। इसी तरह कई माह पहले यह भी बताया जा चुका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, और फिर ऐसा ही हुआ। पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और फिर पेशावर हाईकोर्ट ने यही फैसला दिया, और फिर जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए सिर्फ 39 MNAs को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA करार दिया, जबकि अपने तफसीली इख्तलाफी नोट में उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से 8 जजेस की 2 वजाहतों को गैर आइनी करार देते हुए उन पर अमल दरामद ना करने की अपनी राय दी। इन फैसलों की वजह से जस्टिस काजी फैज ईसा पर यह तनकीद हुई कि उन्होंने ये फैसले एस्टैब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक किए हैं। अब ये वो इल्जाम हैं जिन्हें साबित नहीं किया जा सकता, मगर इन केसेस के जो फैसले थे और इनकी समाअत के दौरान जस्टिस काजी फैज ईसा का जो कंडक्ट सामने आया, उससे ये तासुर ज़रूर मिला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया था वो उसे भुला ना सके, और शायद इसी वजह से उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बायस नज़र आता रहा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इलेक्शन से 1 माह पहले जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन कर इसे बतौर जमात इलेक्शन से बाहर किया, उसे जस्टिस काजी फैज ईसा के अदालती कैरियर का सबसे मुतनाज़ा फैसला करार दिया जाता है। ये एक ऐसा फैसला था जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत इंसानी हकूक की तंजीमें, बैनुल अक्वामी इदारों और गैर जानबदार हलकों ने भी तनकीद का निशाना बनाया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने लाखों लोगों के वोट के हक को मुतासर किया, और इस फैसले को एक बार फिर सियासी इंजीनियरिंग के लिए अदालत का कद्दा इस्तेमाल करने के मिसाल के तौर पर देखा गया। अहम बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रवां साल जनवरी में यह मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी, और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 13 जनवरी की देर रात 3-0 की अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलदम करार देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया। अहम बात यह कि इस केस की बराह रास्त नशरियात कई रोज तक जारी रही, और समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गैर कानूनी इकदाम और दबाव का सामना करना पड़ा। इसी केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर के घर पर छापा मारा गया, और जब बैरिस्टर गौहर ने कमरा अदालत में डालों का जिक्र किया तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने लाइव ट्रांसमिशन बंद कर दी। गौहर साहब, दैट इज ऑल राइट। हमने इनको कहा था अटॉर्नी जनरल को, ठीक है सब कुछ या नहीं? योर ऑनर, देयर वर यस नो 4 डालों में लोग आए, निकाह पोछते। अभी सिचुएशन क्या है? इट्स वेरी सीरियस। जब वो अभी चौधरी साहब को बुलाए, चौधरी साहब
Piranes, हमें यहाँ नहीं करना है. प्लीज गो एंड सॉर्ट इट आउट राइट नाउ. गौर साहब नहीं नहीं आप यहाँ ना बात करें. वी वॉन्ट इट फिक्स्ड. My Lord, it will be. It will. Gaur Sahib, if you want to accompany him, you can go. Your Honor, we are hearing this. We do not have a trust. Just bear with me for a second. Ali Zafar Sahib. Your Honor, sir. Please, we don't want to detract. Your Honor, please. चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस केस में जो फैसला किया उसके असरात आज तक मुल्की सियासत पर हावी हैं.